good morning students i hope you all are doing fine today we are uh, going to look at some extra questions from uh, our first chapter uh, from the chemistry section for 9th standard now uh, there are these are basically 10 questions there can be there can be more questions फ्रॉम दिस चैप्टर बट आई हैव सेलेक्टेड दोज विच हैव हायर पॉसिबिलिटी इन हायर पॉसिबिलिटी ऑफ अपेयरिंग इन योर एग्ज़ाम पेपर राइट ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जिनमें से चूँकि ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड दीज आर दो क्वेश्चन जो कि विच कैन हेल्प यू गेन अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ द टॉपिक्स इन चैप्टर राइट लेट्स लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन देखो इसमें हमें दे रखा है दैट ए रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग विल यू क्लासीफाईड एज सॉलिड और नॉट जस्टिफाई जो एक रबर बैंड है वो अपना शेप क्या कर सकता है चेंज कर सकता है स्ट्रेच करने पे। जब हम उसको खींचते हैं तो अपना शेप चेंज कर सकता है तो क्या आप इसको क्लासीफाई करेंगे एज सॉलिड और नॉट आप इसको सॉलिड में क्लासीफाई करेंगे या नहीं इसको आपको इस आंसर को जस्टिफाई करना है इसका रीज़न देना है न फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक रबर बैंड हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है जिनमें से लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेशली दैट दे कैन चेंज देयर शेप है ना गैस को हो या लिक्विड हो किसी भी वेसल में हम लोग डालते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है बट uh, सॉलिड्स में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है सो दैट मीन्स दैट इफ समथिंग इज चेंजिंग इट्स शेप मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ नॉट अ सॉलिड राइट लेकिन ये रबर बैंड एक काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन फॉर ए सॉलिड्स सॉलिड्स में एक एक्सेप्शन की तरह है और इसका स्ट्रेच होने का जो रीज़न है आई मीन वेल सॉलिड्स और लिक्विड्स में शेप चेंज होने का रीज़न होता है दैट देर इज बेसिकली लार्ज स्पीसिस बिटवीन द पार्टिकल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सो वो मॉलीक्यूल्स अलग अलग तरीके से उन मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग तरीके से एडजस्ट हो सकता है रबर बैंड इज बेसिकली एबल टू स्ट्रेच अगेन ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बट यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है इट्स काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अरेन्ज्ड इन अ मैनर सच दैट जैसे कि कुछ वन ओवर ईच अदर एक एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं इन एन इन नॉर्मल स्टेट एंड व्हेन यू स्ट्रेच द रबर बैंड तो ये जो एक के ऊपर एक जो मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं इस अरेंजमेंट में चेंज आता है कि जैसे आप रबर बैंड को खींचते हो तो ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होने की जगह एक लाइन में अरेंज हो जाता है दे बेसिकली स्ट्रेच इन टू अ लाइन इन टू अ रो काइंड ऑफ राइट तो वो क्या अलाउ करता है वो रबर बैंड को स्ट्रेच करने स्ट्रेच करने में हेल्प करता है एंड जब आप उसको रिलीज़ करते हो तो वो फिर से क्या होता है एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ ए लाइन तो दिस अलाउज़ द मॉलिक्यूल्स टू बेसिकली शिफ्ट और चेंज द शेप ऑफ द रबर बैंड ओके सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन इसको आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट इन ए वे दैट वी कैन से दैट ए रबर बैंड विल बी classified as a solid as it can change its shape due to arrangement of molecules in it In a manner that allows it to stretch or change its shape and then regain its original shape. Full stop. So this this is basically how you can write the question how you can write the answer to this question now let's move on to the second question स्पंज दो कंप्रेसिबल इज ए सॉलिड स्पंज आप लोगों ने देखा होगा विच foam टाइप जो होता है जिसको हम अपने हाथों में एक तरीके से प्रेस कर सकते हैं कंप्रेसिबल होता है वो राइट लेकिन वो सॉलिड है इसका रीजन आपको देना है तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सी बात है इफ़ यू लुक क्लोजली एट ए स्पंज तो आप उसमें देखोगे कि उसमें स्पेसेस दिखेंगे आपको छोटे छोटे से स्पेसेस आपको दिखेंगे तो होता क्या है कि नॉर्मली जब एक स्पंज होता है तो उन स्पेसेस के अंदर एयर फिल्ड अप होती है देर इज़ एयर प्रजेंट इन द इन द स्पेसिस प्रजेंट इन साइड ए स्पंज है ना और जैसे ही आप दबाते हो उसको तो वो जो एयर प्रजेंट है उन स्पेसिस में वो एयर एक तरीके से बाहर निकल जाती है और जब वो बाहर निकल जाती है तो शॉर्ट ऑफ बेसिकली एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जहाँ पर जिसकी वजह से वो जो स्पंज है वो कोलैप्स हो सकता है सिकुड़ सकता है आप उसको एक तरीके से कंप्रेस कर सकते हो ओके तो स्पंज जो कंप्रेसिबल सॉलिड तो हम इसमें कंप्रेसिबल होने का रीज़न बताना है सो यू मोस्टली यू हैव टू गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ द एयर 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 प्रजेंट बिटवीन दर प्रजेंट इन द स्पेसिस विच आर प्रजेंट इन द स्पंज ठीक है तो इसके बेसिस पे आपको इसमें आंसर देना होगा नाउ क्वेश्चन थ्री गैसेज कंप्लीटली फिल द वेसन विच दे आर कैप्ट गिव रीजन ओके ये हम लोगों ने इससे रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने अपने चैप्टर में भी किया है वेयर आपको बताना है कि जो गैसेस हैं वो वेसल को फिल क्यों कर देते हैं उसका रीज़न आपको देना है सो वी हैव डन दिस ऑलरेडी यू कैन चेक दिस इन इन आर प्रीवियस लेक्चर्स ओके सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर फोर्थ अंडर वॉट कंडीशन गैसेज कैन बी लिक्विफाइड इन विच फॉर्म एल पी जी इज़ फिल्ड इन गैस सिलेंडर देखो अंडर वॉट कंडीशन गैसेज कैन भी लिक्विफाइड इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसेज को कौन सी कंडीशन ऐसी हों जिसमें हम उनको लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वी विल हैव टू डिक्रीज़ द टेम्परेचर एंड इंक्रीज़ द प्रेशर राइट जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा देन द गैस विल बी कन्वर्टेड इन टू लिक्विड ये तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पोर्शन का आंसर है ओके सेकेंड पोर्शन है इन विच फॉर्म एल पी जी इज़ फिल्ड इन गैस सिलेंडर अब एल पी जी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एल पी जी एंड सी एन जी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस ओके एल पी जी आप लोगों ने पहले भी सुना होगा दिस इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये हम लोग हमारे घरों में देखते हैं जो सिलेंडर्स आते हैं गैस सिलेंडर्स उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फिल्डअप रहती है अब होता क्या है कि एक्चुअल में हमारे सिलेंडर्स में अब इसमें क्वेश्चन पूछा इन विच फॉर्म एल पी जी इज़ फिल्ड इन गैस सिलेंडर तो बेसिकली गैस सिलेंडर्स में एल पी जी लिक्विड फॉर्म में फ़िल्डअप होता है और जब आप उसके नोजल को खोलते हो तो जो लिक्विड uh, फॉर्म है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होके वो गैस आपके आ, जो जो स्टव है जो चूल्हा है वहाँ तक पहुँचती है so, ये जो गैस है इसमें ब्यूटेन की फॉर्म में भी फिल्डअप हो सकती है या प्रोपेन की फॉर्म में भी अप हो सकती है दीज आर बेसिकली टू गैसेस एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एल पी जी इज़ दैट इसमें जो गैस फिल्डअप होती है वो बेसिकली ऑर्डरलेस लेस होती है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती राइट right? इस स्मेल को गैस में एक्चुअली अलग से ऐड किया जाता है सो so दैट अगर कभी गैस लीक हो रही हो तो वो जो हमें स्मेल आती है वो स्मेल बेसिकली हमें एक एक सॉर्ट ऑफ आइडिया देती है दैट जो गैस है वो लीक हो रही है राइट सो दिस इज़ काइंड ऑफ वन थिंग विच वी कैन चेक फॉर आर हम लोग खुद भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं एनी तो इसमें इस क्वेश्चन नंबर फोर के दो पार्ट्स थे अंडर वाट कंडीशन गैसेज कैन भी लिक्विफाइड ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखी है गैसेज को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर राइट और जो सेकेंड फॉर्म है इन विच फॉर्म है एल पी जी इज फिल्ड इन गैस सिलेंडर्स तो एल पी जी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज इज फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड लिक्विड के फॉर्म uh, में हम इसको फॉर्म फिल करते हैं सिलेंडर्स में और फिर जब हम नोज़ल खोलते हैं अपना जो स्टोव है या चूल्हा है उसका जब उसको नोज़ल को हम खोलते हैं घुमाते हैं तो वो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होती है एंड वो गैस फिर हमें मिलती है और हम उसी गैस को एज ए फ्यूल काम में लेते हैं राइट तो ये दो ये एग्ज़ाम्पल है ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल एक, है, एक है, तो एल और एक है सी एन जी इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी आप लोगों ने देखा होगा जैसे ऑटोज़ में या जो गैस से चलने वाले जितने भी हैं उसमें काम में आते हैं तो दीज दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर फोर इसमें ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एल पी एंड सी आपको ध्यान रखना है फॉर लिक्विफाइड गैसेस एक तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि लिक्विफाइड गैसेस का कमर्शियल यूज़ क्या है तो कमर्शियल यूज़ है एल एंड सी एन जी लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव लिक्विड जनरली है लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर फाइंड आउट वाई अगैन दिस क्वेश्चन हमें मिल चुका है पहले भी कि जो आइस है वो फ्लोट क्यों करती है वाटर पे तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर तो इसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं ना लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज़ ड्राई आइस ओके दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ड्राई आइस हम लोग बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाईऑक्साइड को सॉलिड सी ओ टू बेसिकली सी ओ टू सॉलिड सी ओ टू को हम लोग कार्बन डाई ऑक्साइड सी ड्राई आइस बोलते हैं एंड क्यों बोलते हैं बिकॉज वट हैपन्स इज़ कि सी ओ टू इज़ ए सब्लीमेबल कंपाउंड यानी कि सी ओ टू जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है और जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है तो वट इज कि जो सॉलिड सी ओ टू है दिस इज़ यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स ये आग बुझाने के लिए काम में आता है एंड जो आपने रेड सिलेंडर्स देखे होंगे दैट इज़ बेसिकली जो आग बुझाने के जो सिलेंडर्स होते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंगविशर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंडस जो कि इन सिलेंडर्स में फिल्डअप होते हैं वन ऑफ दोज कंपाउंड इज़ सी ओ टू तो सी ओ टू एक तरीके से यूज में आता है uh, आग बुझाने के लिए दैट इज़ वाई आइस इज़ यूज इर और ड्राई इसलिए बिकॉज ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इन टू लिक्विड राइट तो इसलिए हम इसको वट इज़ ड्राई आइस तो आपको इसमें बताना है सॉलिड सी ओ टू इज ड्राई आइस और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई सी ओ टू इज़ कॉल्ड ड्राई आइस या वाई सॉलिड सी ओ टू इज कॉल्ड ड्राई आइस तो उस केस में आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि दैट इट इज़ यूज टू इट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स and it converts from solid to gas without converting into liquid. okay? तो ये एक क्वेश्चन जो सिक्स है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो ड्राई आइस भी आ सकता है व्हाट इज़ ड्राई आइस तो उसमें हमें बताना है ड्राई आइस इज़ बेसिकली एज सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हमें ये भी पूछ सकते हैं कि वाई सॉलिड्स यो टू इसकॉल ड्राई आइस तो हमें बताना है कि इट इज़ यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायरस एंड इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली इंटू गैसेउट कन्वर्टिंग इंटू लिक्विड राइट ओके सो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेवन एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ओके ये हम लोगों ने पढ़ा था दैट जब भी कन्वर्जन होता है स्टेट का तो टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट रहता है यानी कि जब वेन एवर सॉलिड कन्वर्ट इंटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्ट इंस गैस और गैस कन्वर्ट इंटू लिक्विड और लिक्विड कन्वर्स इंटू सॉलिड ये स्टेट्स में जब चेंज होता है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है दिस आंसर बेसिकली रिवॉल्व अराउंड लेट हीट ना अब लेटेंट हीट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है दैट हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट डज़ इट डू आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं इन योर चैप्टर सो यू जस्ट यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन टू राइट द आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन दैट टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है बेसिकली यू नीड टू से यू नीड टू यू नीड टू बेस योर आंसर की जो लेटेंट हीट है वो सिर्फ इंटरमोकुलर स्पेसेस को चेंज करती है या मॉलिक्यूल्स में जो स्पेसेस हैं वो बढ़ाती है जिससे कि स्टेट चेंज हो सकती है या यू कैन आल्सो आल्सो राइट दिस आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ लेटेंट हीट इंक्रीज द स्पेसेस एंड एब्सेंस ऑफ लेटेंट हीट डिक्रीज द स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स उससे क्या होता है स्टेट चेंज होती है बट दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज़ इन चेंज इन द टेम्परेचर राइट इस बेसिस पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर एट गिव रीजन टू एक्सप्लेन वाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लोथ्स इन ह्यूमिड वेदर क्वेश्चन हमारा ये है दैट जो वेट जो गीले कपड़े हैं वो ह्यूमिड वैदर में ज्यादा टाइम क्यों लगता है उनको सूखने के लिए तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन बिफोर समथिंग रिलेटेड टू दिस कि uh, हम लोगों ने पढ़ा था डेट इवेपरेशन पहली बात तो कोलिंग कॉज करती है ये हम लोग ने देखा था राइट right? और सेकेंड चीज़ जो इवेपरेशन एक फैक्टर पर डिपेंड करता है वह है ह्यूमिडिटी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवेपरेशन कम होगा बिकॉज देर इज़ सो मच मॉइस्चर ऑलरेडी प्रजेंट इन द एटमोसफियर तो हम और ज़्यादा उसमें मॉइस्चर जो है वो एड नहीं हो पाती है राइट right? इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर देन जस्ट हैव टू चेक द प्रीवियस लेक्चर्स रिलेटेड टू एवेपरेशन ओके सो इसमें आपको आंसर उसी बेसिस पर लिखना है दैट uh, आपको सिंपली इसमें बताना पड़ेगा कि जो वेट क्लोथ्स हैं वे, दे, दे टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई uh, इन ह्यूमिड वैदर बिकॉज uh, क्या होता है कि uh, There is already so much moisture present, and so evaporation does not occur properly. So the dry or the wet clothes they are not able to dry as quickly as they should. Right? So this was question number eight. Let's move on to question nine. Why do people sprinkle water on the roof after a hot sunny day? Right. आप लोगों ने देखा होगा लोगों को जब जैसे गर्मियाँ आती है तो जैसे घर के आ, अंदर जो अपना आंगन होता है जो आ, कोट होता है उसमें पानी का छिड़काव करते हैं या फिर छतों पे पानी का छिड़काव करते हैं या घर से बाहर पानी का छिड़काव करते हैं वट डस वाई इज़ दैट हैपनिंग वाई आर पीपल पीपल बेसिकली डूइंग दैट तो इसमें भी हमारा जो इवेप्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट अप्लाइज और वो क्या था कॉन्सेप्ट कि आप जब किसी जैसे इवेप्रेशन क्या करता है कूलिंग में हेल्प करता है right? राइट तो आपने किसी गर्म सरफेस पर अगर पानी डाला तो वो पानी जब इवेपरेट होगा तो वो इवेपरेट कैसे होगा बाय टेकिंग द एनर्जी द हीट फ्रॉम दैट सरफेस है ना तो वो जो पानी जब वैपरेट होगा वो जो वेपर्स जब निकलेंगे तो वेपर्स के साथ साथ हीट भी है उस सरफेस की निकल जाएगी तो बेसिकली यू हैव यू माइट हैव नोटिस कि जब हम ऐसे छिड़काव करते हैं तो थोड़ी देर तक उस वहाँ पर काफ़ी ऐसे गर्म भाप या वेपर्स आपको फील होंगे तो वो ऐसा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जो जो सरफेस है उस सरफेस की हीट बेसिकली एवेपरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एवेपरेटिंग वाटर है ना तो जब ये पूरा इवेपरेट हो जाता है तब जाकर वो सरफेस क्या है कूल cool डाउन हो जाता है तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो रूफ टॉप्स हैं जो छत वगैरह हैं वो भी ठंडी हो जाएंगी और जो आंगन है हमारे या जो हमारा पोर्च है पोर्च या है, जो घर के बाहर वाला जो एरिया है दैट विल ऑल्सो कूल डाउन बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ओके सो दैट इज़ हाउ दैट इज़ बाय पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ आफ्टर अ हॉट सनी डे

अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा हो गैस में दैट दैट उसको हमने बोला था एवेपरेशन और बॉयलिंग क्या होता है बॉइलिंग जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में बट व्हेन एट बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे अगर ये चीज़ हो रही है तो वो बॉइलिंग कहलाता है अगर बॉयिंग पॉइंट से पहले ही ये चीज़ हो रही है लिक्विड uh, कन्वर्ट हो रहा गैस में तो उसको हम इवेपरेशन बोलते हैं राइट आपको क्या करना है इसमें थ्री लिखा हुआ है बट इंस्टेड ऑफ थ्री आपको इसमें करना है फोर फोर डिफ्रेंसेज लिखना है बिटवीन एवेपरेशन एंड बॉइलिंग राइट सो फोर डिफरेंसेज इसमें यू कैन लुक एट इन द चैप्टर और यू कैन राइट इट ऑन द बेस ऑफ वट एवर वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर बेसिकली यू कैन यूज़ पॉइंट्स सच एज एक तो आप जैसे दोनों की डेफिनेशन यूज़ में ले सकते हो इवेप्रेशन की डेफिनेशन हमने लिखी थी एंड uh, बॉइलिंग की डेफिनेशन आई एल डिक्टेट टू यू एंड जस्ट राइट इट डाउन so this is the definition of boiling when a liquid converts into gas at its boiling point then it is called boiling ठीक है तो ये तो बॉइलिंग की डेफिनेशन हो गई इवेपोरेशन की डेफिनेशन हमने पहले लिखी हुई है दिस इज वन डिफरेंस write down the second difference uh, and uh, you need to write these differences in the basis of a table on one side have evaporation points on the other side have boiling uh, points right so the second point evaporation ka, it is a surface process and that evaporation gives so a surface space molecules कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं गैस में है ना तो एवेप्रेशन क्या हो गया इट इज़ ए सरफेस प्रोसेस और बॉइलिंग में आ जाएगा इट इज़ ए बल्क प्रोसेस बी यू एल के बल्क प्रोसेस बल्क प्रोसेस हम लोग बोलते हैं बेसिकली बल्क मीन्स जहाँ पर एक पूरा मास एक पूरा वॉल्यूम एक साथ को हम बोलते हैं बल्क तो जब आपने नोटिस किया होगा जब आप बॉयल करते हो तो पूरा लिक्विड एक साथ बॉयल होता है राइट इट्स नॉट इट्स नॉट लाइक एवेपरेशन ऐसा नहीं होता सिर्फ सरफेस पे या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हो रहा है बॉयलिंग अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ दस ऑफ़ दैट लिक्विड हर पार्ट को अफेक्ट करती है बॉलिंग राइट दैट इज हमने बोला बॉलिंग इज ए बल्क प्रोसेस है ना नाउ राइट डाउन द थर्ड डिफरेंस एवेपरेशन में हम लोग लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट इट इज़ ए स्लो प्रोसेस ऑब्वियसली एवेपरेशन कैसा है स्लो प्रोसेस है राइट एंड बॉइलिंग में आप लोग लिख सकते हैं इट इज ए फास्ट प्रोसेस एंड द फिफ्थ द फोर्थ पॉइंट इज एवेपरेशन में

होंगे बट जस्ट यह है कि काफ़ी स्लो रेट पे होंगे है ना एंड बॉइलिंग में आपको लिखना है इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट राइट बॉइलिंग में ऑब्वियसली हमें बॉयल करना हो तो हमें एक्सटर्नल uh, सोर्स चाहिए फायर uh, चाहिए बाय एनी मीन्स राइट तभी बॉयल हो सकता है कोई भी लिक्विड सो दीज वर द फोर डिफरेंसेज बिटवीन इवेपरेशन बॉलिंग एंड दिज वर द टेन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच वी कैन लुक एट फ्राम दिस चैप्टर यू डोंट नेसेसरली नीड टू राइट दिस आंसर इन टू योर फेयर नोटबुक जस्ट बट जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव दैम इन योर इन समिटर्न फॉर्म आपके पास वो किसी रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए And uh, just remember to repeat this chapter properly and uh, focus on all the important points that we have talked about from this chapter. And another thing is uh, if you are making a fair notebook, then make sure that your fair notebook is basically a register, science register, which has one blank page and one line page. राइट right, एक तो ब्लैंक पेज होना चाहिए और एक लाइन पेज उस टाइप का आपको रजिस्टर मेक करना है उस टाइप का रजिस्टर आपको बनाना है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ विल कंटेन डिफरेंट रजिस्टर्स उसमें डिफरेंट आपको फिजिक्स का अलग रजिस्टर बनाना है और केमिस्ट्री का अलग रजिस्टर बनाना है सो कीप दैट इन माइंड जस्ट रिपीट दिस चैप्टर रिपीट द क्वेश्चन आंसर्स डू इट प्रॉपरली एंड लर्न इट वेल